हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। सो खैर, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट टू मेजर गौरव आर्य की वीडियो। और इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं विद आरजू काजमी, और ये रिसेंट वीडियो है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में, सो आप उसको देख सकते हैं। और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ की देरी है यार, कर लो सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वैसे लाइक तो करते ही हैं आप लोग, सो थैंक यू सो मच। तो बात यह है कि आप सब कहते हैं कि मैं साड़ी जो है वो उल्टी, मतलब मैंने उल्टी साइड पे पहननी चाहिए थी, और आपको माइट भी वीडियो में मेरा ये वाला साइड उल्टा लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये वाला मेरा साइड जो है वो राइट है और ये वाला साइड मेरा लेफ्ट है। और आपको मालूम ही होगा वॉच तो हमेशा उल्टे ही हाथ में पहनी जाती है, तो क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है वो राइट साइड पे मुझे मैंने पल्लू पहना हुआ है, बट ये लेफ्ट साइड पर है। सो सारी हो गई बातें, तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। जो जिस तरीके से माइंडसेट है ना, कि अब मैं टीवी शोज भी आपके देखता हूं अर्जुन जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी कैसी बात कर सकता है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के हिंदू काफिर इंडिया के पास जाके उसकी गोद में सऊदी अरेबिया बैठ गया। मुल्कों के कोई मजहब नहीं होते, वो इस्लामिक किंगडम ऑफ एमिरात ऑफ सऊदी अरेबिया, इस्लामिक व्हाटएवर सऊदी अरेबिया हो सकता है, वो उसका फॉर्मल नाम है और उसका एक फॉर्मल स्टेट रिलीजन भी इस्लाम है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो नेशंस होते हैं, नेशंस इनहेरेंटली देयर इंटरेस्ट्स आर नॉन सेक्युलर, सॉरी द इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा गलत बोल गया मैं, देयर इंटरेस्ट्स आर इनहेरेंटली सेक्युलर। सऊदी अरेबिया को जिससे फायदा होगा सऊदी अरेबिया उसके पास जाएगा। पूरी 57 देश हैं आपके ओआईसी के, जो मुसलमान देश हैं दुनिया के 57 हैं, उसमें से तो एक ने वैक्सीन नहीं बनाया, एक ने भी तो वैक्सीन नहीं बनाया। बिल्कुल, आप ओआईसी का विश्वास करिए कि हम काफिरों से वैक्सीन लेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि काफिर है हम वैक्सीन लेंगे नहीं काफिर से, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है दुनिया का, ये समझने की जरूरत है पाकिस्तान ने, रिलीजन का जो ये ढोल बहुत पीट लिया है इस्लाम का, ढोल पीटना बंद करें और मतलब नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात करें, थोड़ा सा काम के ऊपर फोकस करें। लेकिन एक चीज मेजर साहब और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों के जो जहनियत है हमारे यहाँ, जो लोग जैसे सोचते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि जैसे कहेंगे कि जी, मुझे बोलेंगे कि आप जब हिंदुस्तानी चैनल पे जाती हैं तो आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रही होती हैं, और जब आप अपने चैनल पर आती हैं तो आप मतलब इनकी बुराइयां बता रही होती हैं या कमजोरियां दिखा रही होती हैं। तो इनको ये बात समझ नहीं आती कि मैं इंडियन चैनल पे एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाती हूँ और मेरा मतलब मुझे डिफेंड ही करना होता है, मैं इंडियन पैनलिस्ट नहीं होती, और अपने चैनल पे जाहिर है बिकॉज आई वॉन्ट के मेरी कंट्री में जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सही की जाएं, तो इसलिए मैं वो पॉइंट आउट कर रही होती हूँ कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। तो ये चीज लोगों को क्यों हमारी समझ नहीं आती, वो ये क्यों समझते हैं कि नहीं ये दोगलापन दिखा रही है, ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है, ये दोनों जगह अलग बात कर रही है, ऐसा ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? देखिए, ऐसा है आरजू जी की ब्लैक एंड व्हाइट समझना आसान होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ग्रे समझना है तो उसके लिए थोड़ा ज़हीन दिमाग चाहिए। अब कौन इतना दिमाग खपाए कि आरजू जी में कितने यू नो वेरिएशंस हो सकते हैं, उनके थिंकिंग प्रोसेस में, उनके थिंकिंग में कितने शेड्स हो सकते हैं, तो ये समझने में थोड़ा सा, कि मैं भी समझता हूं जब आप लोग टेलीविजन पे आते हैं, कोई भी है, दे आर यू नो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप लोग पाकिस्तानी उस समय एज पाकिस्तानी आ रहे हैं, और आप एज पाकिस्तानी आप डिफेंड करते हैं अपने नेशन की पोजीशन, वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो बुरी हो, भाई आप पाकिस्तानी और आपको अपने मुल्क की दिफा करनी है, चाहे टीवी पर ही करना है, फौजी तो है नहीं जो सरहद पर पहुंच जाएंगे, तो आप टीवी पर दिफा करते हैं, राइट, ये एक बहस का मुद्दा। दूसरी चीज है, जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं तो फिर यू आर टॉकिंग मोस्टली एज अ जर्नलिस्ट, तो जो चीजें, और ऐसी बात नहीं है कि आपने मुझसे कोई सख्त सवाल नहीं पूछे, आपने पूछे हैं, आपने जरूर पूछे इंडिया के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, आपने हिंदू राइट विंग के बारे में सवाल पूछे हैं, आपने
बाबरी मस्जिद के बारे में मुझसे सवाल पूछे हैं, आपने कई सवाल मुझसे पूछे हैं, इट्स ऑल राइट, आप पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं, तो एक जगह आप जर्नलिस्ट का रोल अदा करते हैं जहां पर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर बैलेंस्ड, एंड एक जगह आप प्योरली एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं जहां पर आपको ठीक है, जिसको अंग्रेज कहते हैं ना, राइट और रॉन्ग माय कंट्री, सो वो होता है, वो लोगों में होता है, मैं खुद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, बिल्कुल, मैंने खुद आपको देखा, आप अपने चैनल के ऊपर कुछ मतलब और बात कर रहे होते हैं समटाइम, मतलब बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना सोलो वीडियो आपका आता है तो बहुत दफा आप वीकनेसेस भी बताते हैं भारत की, जहां पे भारत को काम करना चाहिए और ठीक करना चाहिए। अर्जुन जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो वीकनेस जब मैं गया था वहां पे, क्या नाम कहते हैं कि जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट गया था, तो वहां पे किसी ने मुझसे पूछा था कश्मीर के बारे में, वहां पे मैंने बात बोली थी। मैं एक बात बताता हूँ, मैं टीवी पे बोलूं या आपके यूट्यूब चैनल पे बोलूं, मैं कोशिश करता हूं, देखिए मैं इंसान हूं तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकता, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, पर जितना मेरी आत्मा गवाह देती है, राइट, जितनी मेरी आत्मा गवाह देती है, मैंने टीवी पे या यूट्यूब पे आज तक झूठ नहीं बोला। हो सकता है कि मेरे मुंह से गलत बात निकली हो क्योंकि मुझे लगा हो वो बात सच है, वो अलहदा बात है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जितना मुझे सच पता था मैंने वही बात बोली है। अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई बात बोलूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, फिर मैं वो बात बोलता ही नहीं हूं, मैं दायमाय कर देता हूं। लेकिन हाँ देखिए, अगर हम लोग अपनी कमियां नहीं पहचानेंगे तो बेहतर कैसे होंगे, राइट, मैं ये बोलूं कि जी मैं परफेक्ट हूं, फिर तो आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई ना, फिर तो आप रुक गए वहां पर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा कि नहीं साहब ये थोड़ा मसला है, इंप्रूव करें आप। लेकिन सर दूसरे दूसरी कंट्री के चैनल पे जाके, हिंदुस्तान के चैनल पे जाके, तो आपको अगर अपने दिल में लग भी रहा हो कि हाँ ये बात गलत है, मैं सिर्फ माइनॉरिटी की चीज ऐसी बात ऐसी जिस पे मैं कभी साथ नहीं देती, कभी मैंने डिफेंड नहीं किया, लेकिन बाकी चीजों पे तो सर करना होता है ना, आप गए ही एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट है, तो क्यों हिंदुस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां जाके हम कहेंगे हाँ जी हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो तो बस उल्टा ही काम करती है। देखिए ऐसा है आरजू जी कि अगर चाची की मूछें होती तो हम उनको चाचा बोलते, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन जो है ना आरजू जी, एक्सपेक्टेशन के पीछे ना दौड़िए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कल किसी पूरे नहीं होंगे, है ना, किसी के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते, और ठीक है व्हाटएवर गॉड विल, लेकिन एक चीज है मेजर साहब के, ठीक है जितने मर्जी रिलेशंस खराब हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी, लेकिन मैंने भी रिसेंटली सुना कि पोस्टल सर्विस भी बंद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज भी बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं हमारे जो भारत में रहते हैं, और भारत वालों के बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, तो अगर आप पोस्टल सर्विस बंद कर देंगे तो कैसे लोग एक दूसरे के साथ, हर एक तो इंटरनेट यूज नहीं करता, हर एक ईमेल यूज नहीं करता, तो ये तो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं दूरियां पैदा करने वाली बात है। इसमें आप समझते हैं कि पोस्टल सर्विस ऑन होनी चाहिए दोनों की? अर्जुन जी ये कभी होगा नहीं, मैं आपको मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता इसमें आई कैन नॉट से, क्योंकि मेरे लगने की ना लगने की तो जीरो वैल्यू है, जीरो से भी कम अगर कुछ चीज हो सकती है तो माइनस में ही है मेरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं इसमें है क्या, हिंदुस्तान का एक मूड है खास इस वक्त, और शायद पाकिस्तानी सरकार जो है, जो पाकिस्तानी इदारे हैं, वो शायद ये मूड भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इंडिया टुडे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। बात यह होती है कि जब आप ये बात करते हैं ना कि पोस्टल सर्विस हो और लोगों के बीच में ताल्लुकात हो, आप हम आपके मुल्क आए, यहाँ पे हम कव्वाली देखें, यहाँ पे आप आए इंडिया में क्लासिकल डांस आप देखें या शास्त्रीय संगीत सुने, ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और यही मेरा इख्तलाफ फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों से है, जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में ना है उन लोगों से, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, बड़ी पिंक सी यू नो दिल में करण जौहर वर्ल्ड विच इज वेरी नाइस, में बबल गम है, स्ट्रॉबेरीज हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा, पर हकायक की जिंदगी ऐसी होती नहीं है। वी लिव इन अ वेरी अगली वर्ल्ड, वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड, और ये जब से उड़ी हुआ है या पुलवामा हुआ है ना, अब आप किसी भी इंडियन को, आप मुझसे बोलेंगे, आप किसी इंडियन को छोड़िए ना, क्या बात करें किसी, अगर आप मुझसे बोलिए कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ कोई बिल्कुल कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमारा गला भी काट दो लेकिन हमें तो लाहौर में जाके हमने कढ़ाई खानी खानी है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारे मतलब परिवार को मारो, लेकिन फिर अगर वैसा किसी का माइंडसेट है तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है वो हिंदुस्तानी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आरजू जी मैं कोई आपके
चैनल पे अपनी कोई गिला नहीं सुना रहा आपको, कोई कंप्लेंट नहीं करा, कोई शिकवा नहीं सुना रहा आपको। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा कि ये बात सच है कि वाजपेयी जी गए थे लाहौर, और जब वो लाहौर गए थे और मीनारे पाकिस्तान में, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को तस्लीम कभी नहीं करा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनारे पाकिस्तान पे चला गया, और क्या तस्लीम क्या चाहते हैं आप, मतलब और क्या तस्लीम। हमारा एम्बेसी है, हाई कमीशन है, माफ कीजिएगा, आपके यहाँ कॉन्सुलेट्स हैं, आपके हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, राइट। हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं, आपके परवेज मुशर्रफ जनरल साहब जो थे वो यहाँ पे आए, आगरा में समिट हुआ, जिन्होंने कारगिल करवाया था, और बड़ी फख्र के साथ इन द लाइन ऑफ फायर उन्होंने बोला भी है कि मैंने कारगिल करवाया था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में उनको यहाँ पे। और क्या तस्लीम करने को होता है, और कैसे तस्लीम होता है, कह रहे दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से तस्लीम नहीं करा मतलब क्या, ये क्या वैलेंटाइन डे क्या, कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ किसी को और जो एक्सेप्ट कर रहा है, निकाह हो रहा है दो लोगों का, दिल से तस्लीम नहीं करा। मुल्क कभी मुल्कों का दिल नहीं होता, मुल्कों के मफादात होते हैं, राइट। वाजपेयी जी चले गए मीनारे पाकिस्तान, और जब वो मीनारे पाकिस्तान में खड़े थे उस समय कारगिल पे चढ़ाई हो चुकी थी, नदन लाइट इन्फेंट्री थी, राइट। मोदी जी आए थे वहां पे, नवाज शरीफ साहब के जो घर में शादी थी, और आई थिंक उनकी ग्रैंड डॉटर की या किसी किसी नीस की किसी की भी थी शादी, वहां पे आए और उनको उनको अपने इनॉग्रेशन पे भी बुलाया, तो फिर ये आप उड़ी हो जाता है फिर पुलवामा। तो ऐसी चीजें जो हैं ये फिर ना दिक्कत होती है। तो इंडिया में लोग अब लोगों ने उम्मीद करना फॉर गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, अ लार्ज मेजोरिटी, देर आर स्टिल सम पीपल वो अमन की आशा टाइप के हैं, जो यू नो हु आर परपेचुअली, कि मतलब आप उनके ऊपर एक उनके सर पे आप यू नो पत्थर मारते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये खून नहीं है, ये तो दोस्ती का लाल रंग है, उस टाइप के भी लोग हैं, वो होते हैं कुछ लोग, तो उनको तो यू कैन नॉट टेक देम इनटू एनी अकाउंट व्हाट्स एवर। बट पीपल हु बिलीव इन रियलिटी इन इंडिया, एंड दैट इज 99% ऑफ द इंडियन, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम हैव गिवन अप ऑन रिलेशंस विद पाकिस्तान, दे कुडंट केयर लेस, मतलब उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अ वास्ट मेजोरिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, बट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हैव गिवन अप ऑन रिलेशन, एंड जैसे कि ना हो हमारी बला से ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द जनरल मूड। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं उस चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है जो गलतियां हो गई, चाहे किसी से भी, पाकिस्तान से ऑफ कोर्स ज्यादा तो यहीं से हुआ है, तो उसको अगर पाकिस्तान सही करने की कोशिश करे कुछ साल लगेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल से आप नेगेटिव सोचेंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो गलतियां हो गई उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, मगर आगे ना हो ऐसा कुछ। आरजू जी मैं आपको बताता हूँ, जो आप कितना गलतियां पिछले 30 साल में कश्मीर में 42,000 लोग मरे हैं, मेरे दोस्त मरे हैं, मेरे भाई शहीद हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये गलतियां नहीं होती। एंड आई बिलीव, मैं आपकी और जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं जिनके साथ मेरी बातचीत है, आप हो गए, चीमा साहब हो गए, फखर यूसुफजई साहब हो गए, और यू नो और बाकी भी लोग हैं, तो मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि भूल जाओ, कैसे कोई भूल सकता है, 42,000 इंडियन सिटीजन्स यू नो हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन जे एंड के, एंड आई बिलीव, हो सकता है कि लोग मुझे ट्रोल करें इस बात पे, हो सकता है कि लोग इस चीज को बोलें कि ये वॉर मॉन्गर है, और जो बोलते हैं मुझे मुझे तो कोई फर्क नहीं, मुझे पता है, मैंने ट्विटर में अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, मुझे पता ही नहीं लगता कंट्रोल कर रहा है, और मैंने 6 महीने से ऑफ कर रखे हैं ट्विटर पे नोटिफिकेशन, कोई कुछ भी बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आरजू जी की यू नो आई फील दैट टुडे इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हम लोग एक जंग की सूरत में, जंग के हाल में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये बात सच है। हम ना माने वो हमारी बेवकूफी होगी, वो हमारी नाअहली होगी, इनकॉम्पिटेंस होगा कि हम समझ ही नहीं पा रहे एज एनलिस्ट, बट ट्रूथ यही है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, ये सच है। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, और जो गलती भी हुई है वो आगे ना दोहराई जाए, और कुछ साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो और अगली जनरेशन हम ना सही। बस ठीक है, मैंने मिनट चेक कर लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में बस मेजर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी भी आप समझते हैं कि चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आपको लगता है
कि कुछ बेहतर नहीं होगा अगर पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक अपनी गलती को माने और उस चीज को कंट्रोल करे, फिर भी नहीं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हुआ है। देखिए हमारे यहाँ भी लोग जो है उनकी डेथ्स हुई है, बहुत लोग यहाँ पर भी जो है उन्होंने अपने लोगों को खोया है, सिर्फ एक तरफ का नहीं है, दोनों जगह एक जैसा नुकसान हुआ है। अर्जुन देखिए, हमने तो किसी को वो नहीं करा ना कि हमारे पास तो कोई लश्कर वश्कर नहीं है, जैश नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को, अब पाकिस्तान ने, ये हिलरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को बोला था, जब पाकिस्तान ने ये बोला था ना कि हमारे लोग मारे गए हैं, तो हिलरी क्लिंटन ने यही बोला था कि आप अपने घर के पीछे सांप पालेंगे और फिर ये सोचेंगे कि वो सांप आपको ना काटे, ऐसा हो नहीं सकता। यू कैन नॉट रियर स्नेक्स इन बैकयार्ड एंड देन थिंक दैट दे विल नॉट बाइट यू। तो देखिए, जो जो कश्मीर में हुआ है वो पाकिस्तान ने करा है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, कुलभूषण जाधव का जितना भी ढोल पीटे कि ये है वो है, अभी तक प्रूफ इनके पास एक नहीं आया। ठीक है, आप ये कहते हैं कि उसका झूठा पासपोर्ट है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, झूठा पासपोर्ट है कुलभूषण का, तो झूठे डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में जेल में डाल दीजिए उसको, राइट? अगर है उसका पासपोर्ट झूठा, आप कह रहे हैं झूठा, मैं मान लेता हूं कुलभूषण पासपोर्ट का, वो क्या नाम था, हुसैन पटेल या जो भी उसने नाम करा होगा अपना, अगर वो है तो आप जे उसमें झूठे पासपोर्ट के लिए आप डेथ सेंटेंस दे देंगे किसी को। पर अगर इसीलिए, तो आप जब वर्ल्ड के उधर जाएंगे ना केस लड़ने के लिए कमांडर कुलभूषण जाधव का, तो लोग ऐसा पूछेंगे कि प्रूफ क्या है, और वो प्रूफ एक्चुअली कोई नहीं है, बस उसको पकड़ के रखा है अंदर। तो ये ठीक है, देखिए आरजू जी, साफ सीधी बात है, कोई बहुत ही अलिफ लैला की कहानियों की दुनिया में रहने वाला होगा जो उम्मीद से होगा, है ना, कि एक बचपन में हम लोग कहते थे, एक छोटी सी पोयम थी 4 लाइन की, जो बचपन में बच्चे मजाक मजाक में कहते थे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। ठीक है, तो ये जो दोस्ती की बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो यही है कि वो जो कॉर्डियल रिलेशन थे, दोस्ती तो कभी नहीं थी, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉर्डियल रिलेशन थे वो मर गए और खत्म कहानी, ये बात है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे वैसे बहुत अफसोस हो रहा है, अगर आप अभी तक आप इसी चीज को आप लेके आगे चलना चाह रहे हैं तो बहुत मुझे अफसोस है, लेकिन ये कि मेरी तो यही दुआ होगी और यही ख्वाहिश होगी कि कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकें, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि वो, जैसे कहते हैं ना, एकदम कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, तो उस तरह की कोई चीज हो और दोनों तरफ। वीडियो थी, वीडियो तो बीच में ही कट हो गई है, अब पता नहीं वीडियो बनी इतनी थी या फिर उनका टाइम आउट हो गया था। एनीवेज, हमारी ये वीडियो थी जो कि पार्ट टू था मेजर गौरव आर्य के साथ। मेजर गौरव आर्य जी जो हैं वो बेसिकली एक आइडियल हैं फॉर एवरीवन, जो उनको समझते हैं, उनकी वीडियोस को, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनके लिए सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और वीडियो में बेसिकली आरजू काजमी ने आरिफ अजय किया कि जो एक वो वीडियो पे जो वीडियो आई थी यूट्यूब पर, तो उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है, इन्होंने मतलब पॉइंट मारा है सही वाला। और पब्लिक क्योंकि कनेक्ट है अजय किया, आरिफ अजय किया सर से भी और मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो पर भी, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मतलब कि डिस्कस कर लिया, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें और वो चाह रहे हैं कि उनकी मेंटेलिटी जो है वो मतलब कि उनका पॉजिटिव वे आए। एनीवेज, बात ऐसी है कि मेजर साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उनके अकॉर्डिंगली, तो मैं यही कहूंगी कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जो आरिफ आजा किया की वीडियो पर बनाया था, तो उन्होंने तो बेसिकली ये एज अ पाकिस्तानी जाती हैं, इन्होंने कहा है कि मैं वीडियो में जाती हूँ तो वहां पर ऐसे बोलती हूँ। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप, जहां तक मुझे लगता है, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि आप जो हैं भले वहां पर जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन एक तरफ से मैं ये भी सोचती हूँ कि यार बात ये भी ठीक है कि अगर वो वहां पर जाकर पाकिस्तानी के खिलाफ बोलेंगी तो फिर जाहिर सी बात है उनके पास कोई, फिर उनकी बात में कोई पॉइंट नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है कि फिर आप जाएं ना, जब आप को उनके खिलाफ नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है वहां पर जाकर, तो आई थिंक कि वहां पर शायद जाना ही नहीं चाहिए।
जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे मैं इस पर और ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि मेजर साहब ने ही सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्लियरली बोल दिया है कि आप एज अ पाकिस्तानी वहां जाती है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको वही बोलना पड़ता है। तो मतलब कि फिर उनको उनके जो मन में होता है वो वहां पर वो नहीं बोल रही होती, जो उनके मन में नहीं होता मतलब कि फिर वो बोल रही होती, मतलब वो बोल रही होती हैं जो उनको नहीं बोलना, ऐसा हो सकता है। समझ तो गए होंगे आप, खैर मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। एनीवेज बाकी इन्होंने जो दूसरे पॉइंट पे बात की है रिलेशनशिप पे इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जैसे कुरियर वगैरह बंद हो गए हैं, दूसरी चीज़ें बंद हो गई हैं, पोस्ट वगैरह बंद हो गए हैं, तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ही ऐसे थी ना जो ऐसे हो गई है, पहले तो थोड़ी बहुत तो थी ना यार, अब ऐसे हो चुकी है। तो अब उस चीज़ को जैसे कि मेजर साहब से उन्होंने क्वेश्चन भी किया तो मेजर साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आने वाले वक्त में भी उनके नज़रिए में जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत दूर की सोचते हैं, तो उन्होंने बता दिया है कि इतना मतलब इजी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है कि किसी अब दोबारा से पाकिस्तान से कनेक्टिविटी रखना। और मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं, हम सोच रहे थे कि शायद कुछ टाइम के बाद ये पोस्ट वगैरह जो सारी कुरियर्स का सिस्टम होगा वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, बट अब लग रहा है कि वाकई में इनकी स्टेटमेंट के बाद लग रहा है कि नहीं होने वाला। सो माइंड से ये चीज़ अगर हम सोच रहे हैं कि हो जाएगा इन फ्यूचर, और वैसा नहीं होने वाला। सो प्लस एक और बात भी कही है कि अमन की आशा, जैसे कि मेरे जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि यार अमन होना चाहिए, अमन एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, रिलेशन दोबारा से स्ट्रांग हो जाने चाहिए पाकिस्तान के और इंडिया के। तो अब मुझे इनकी वीडियो से आइडिया हो गया, आंसर मिल गया है कि हम जैसे 2% लोग होंगे जो भारत में होंगे जो सोचते होंगे कि अमन की आशा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों के कमेंट रीड कर रही होती हूँ, आइडिया लगा रही होती हूँ कि लोग पाकिस्तान से क्या मतलब रिलेशन रखते हैं। मैंने जब भी क्वेश्चन किया तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और उसके लिए थैंक यू सो मच, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान से हमेशा सबने यही कि हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं करते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं करते, और पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये तो उन्होंने भाई क्लियरली बोल दिया, तो इस पर तो मैं ये डाउट कर ही नहीं सकती कि मेजर साहब ने जो बात कही है उसमें कितने परसेंट लोग हैं। तो मैंने बैठे बैठे ये सोच लिया था जब उन्होंने आंसर दिया था, तो मैंने सोच लिया था कि 98% जो लोग हैं ना वो तो नहीं चाहते, उनके पास ट्राई भी नहीं है। हाँ 2% है जो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अमन की आशा हो जाए, हार्डली वो भी। तो यार थोड़ा सा रैम खाओ और थोड़ा सा दिल हल्का करके कनेक्टिविटी, अमन की आशा और हाथ जो है वो थोड़े से आगे बढ़ाओ, और प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ नहीं रखा है इन नफरतों में। और माना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी जो इख्तलाफात हुए हैं, और पीएम जैसे कि आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं पाकिस्तान में, और इसके बाद मतलब उन्होंने शादी भी अटेंड की, इसके बाद और भी लोग यहाँ पर विजिट किए हैं, तो उनसे मतलब कि उस जैसा रिलेशनशिप अब भी होना चाहिए। अब भी सुनने को मिले कि हाँ इंडिया से ये लोग आए हैं विजिट करने, ये लोग इनका दौरा हो रहा है। सो अच्छा लगता है ये चीज़ें सुनकर। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि ये वीडियो थी मेजर गौरव आर्या सर की। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो या फिर कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं मुझसे, जैसे कि हमेशा सब करते ही आए हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इंस्टाग्राम की आईडी पर मेंशन है, ट्विटर का अकाउंट जो है उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो आप लोग वहां पर भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यस डेफिनेटली हम लोग उस पर रिएक्शन देंगे, आप लोगों की सजेशंस को देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, जैसे कि और लोग भी मुझे सजेस्ट करते रहते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए, और बाय।